आइसली नीलो बना, वी आर रिप्रेजेंट कचीरा ना। तो मैं आज एक रिप्रेजेंटेशन जो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक माल प्रैक्टिस एट 24 किल पोलिंग स्टेशन अंडर 15 सागाली कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आप लोग को प्रेस ब्रीफिंग बोलने आया। तो आज मैंने हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर को भी मैंने कॉपी दिया, तो इसका हिसाब से आज मैं मीडिया के जरिए में भी मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा हमारा पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। यह मैं कुछ दिन से हमारा यहाँ में एक वर्कशॉप में एक ऑडियो क्लिप एक दूसरे से कन्वर्सेशन चल रहा है। तो हमारा स्पेशल 24 किल पुलिस स्टेशन का जो उस दिन जो घटना हुआ है, तो उसका वहाँ में हमारा स्पेशल हमारा निजी कम्युनिटी में थोड़ा एक दूसरे से कन्वर्सेशन हुआ। तो इसका जो ऑडियो को आप लोग को क्लियर कर मैं बाद में लास्ट में आप लोग को दे दूंगा कॉपी को। उसमें हमारा लोकल में कुछ कुछ एक दूसरे से बातचीत किया, तो मैं जस्ट थोड़ा हिंदी में आप लोग को ट्रांसलेट करना चाहूँगा किस किस टाइप का एक दूसरे से बातचीत किया था। तो सबसे पहले वही था, मैं नाम तो बोलना नहीं चाहूँगा तो भी यह मैं क्लियर कट जो ऑडियो में एक दूसरे से जो बात करने वाला खुद ही यहाँ में ऑडियो में नाम खुद ही बताता है। सबसे पहले हमारा रोमेश गोलो, वो ऑडियो में खुद ही एक दूसरे से बताता है कि मैं किल का पोलिंग ऑफिसर हूँ। और एक तो जो तनाज तातो, वो हमारा INC से पोलिंग एजेंट है। तो दोनों आपस में एक दूसरे से लोकल डायरी हमारा निशी में बातचीत करता है। तो उसको मैं आप लोग को क्लियर कट मतलब हिंदी से मैं ट्रांसलेट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ में बहुत सारा टाइटल है जो कुछ कुछ निशी भाषा नहीं समझ सकता है। तो उसका रिगार्डिंग में मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा हिंदी से मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा यहाँ में एक BJP का पोलिंग एजेंट और INC का पोलिंग एजेंट जो बेचता है। तो हम लोग का जो ये ऑडियो का क्लियर कट सुनेगा इस से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हमारा पब्लिक को। अब हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद ही बाद में ऑडियो में भी सुन सकता है जो निशी में जो समझ सकता है। तो यहाँ में एक एजेंट बेचता है हमारा, उसका नाम है रोमा BJP का तरफ से, और एक तो INC से तगु बोल के, उसको भी मैं जस्ट ये ऑडियो का तरफ से मैंने सुना नाम को, इसलिए आप लोग को मैं बताना अभी चाह रहा हूँ। तो अभी सुनने में आया है कि दोनों एक दूसरे से एक ही फैमिली का है, दोनों रोमा और तगु उसका फादर सेम है, एक ही पिताजी है और माँ भी सेम है। तो एक दूसरे से एक गाना क्या हुआ हमारा यहाँ में दोनों मिल के क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये ऑडियो का रिकॉर्ड का हिसाब से आप लोग को बता रहा है। तो यहाँ में सुनने में मुझे आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से वहाँ जाकर पोलिंग एजेंट बैठता है, एक तो BJP का तरफ से एक तो INC का तरफ से। तो लास्ट में देखा कि हमारा एक पोलिंग कांग्रेस का तरफ से एक एजेंट जो वो भी एजेंट था, उसका नाम जो तना था, तो वो उसका ऑडियो का जो बोलने का हिसाब से वो खुद ही बोल रहा था कि हमने घुसने से पहले हमारा एजेंट कांग्रेस का ऑलरेडी घुस चुका है, उसको वो बहुत ट्राई किया है निकलने देने के लिए लेकिन वो बहुत मना किया है आफ्टर लंच का बाद। तो उन्होंने पता चला कि उसका जो INC एजेंट जो BJP का एजेंट दोनों मिला हुआ है। तो वो लोग का डाउट का हिसाब से वो INC का जो एजेंट एक तो जो सेकेंड सेकेंड एजेंट जो बोला है कि आप निकल जाइए मैं बैठूंगा, तो उसने जो आने नहीं दिया, आफ्टर लंच का बात आएगा बोल बोल के तो बोल रहा था। तो इसलिए ये ऑडियो का कारण से हम लोग आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मतलब डिटेल हम बताएगा। तो क्या हुआ लास्ट में करते करते दोनों लास्ट में पता चला है कि जो INC एजेंट जो BJP का
एजेंट दोनों मिला हुआ है, तो लास्ट में देखा कि दोनों सब मिल के बीजेपी को पूरा वोट मारने दिया है। ये ऑडियो का रिकॉर्ड का हिसाब से आप लोग को बता रहे हैं, हमारे पास में सबूत कुदी उदी कुछ ऑलरेडी यहाँ है, उसको भी आप लोग को बता देगा। तो उसका बाद यहाँ मैं बात करता है कि सबसे पहले हमारा वहाँ में जितना भी वहाँ में पोलिंग ऑफिसर है हमारे सरकारी का तरफ से और प्रेसिडिंग ऑफिसर है, तो उन्होंने कुडी यहाँ में बोला है कि दोनों जो मिल के बोला है कि चलो हम लोग मिल के वोटर को 50-50 करके हम लोग मारते हैं। तो लास्ट में दोनों आपस में बात कर लिया, इसका बाद हमारा यहाँ में प्रेसिडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जो दोनों को बात को मान लिया। तो ये हिसाब से हम कहना चाहूँगा ये मीडिया का तरफ से, मेरा जितना भी वहाँ का गवर्नमेंट सरकारी है जो पोलिंग ऑफिसर है जो वहाँ में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, आप लोग पब्लिक का एजेंट को जनता का एजेंट को बात को आप लोग सुन के विश्वास करके आज अपना खुद कुलारी पेड़ को कुलारी मार रहा है। तो जो अभी सुन रहे हैं अभी खुद आप भी सुन लो, अपना गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 50-50 अगर वोट को शेयर करता है तो हर पोलिंग स्टेशन में अगर ये बीजेपी का अगर पॉलिसी है तो मेरा ये मानना है कि 50-50 पोलिंग स्टेशन में अगर वोट शेयर करता है तो आखिरी जीतेगा कौन, जीतेगा कौन? क्या आने वाला पीढ़ी चलती नहीं में भी ऐसे चलते रहेगा? ये नहीं होगा। इसलिए हमारा टीम तिची राणा का हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, तो हम लोग यंग है भी है और आने वाला के लिए भी हम लोग फाइट करेगा। जो चीज़ जो गलत है तो हम लोग गलत बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है आप लोग का ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो लास्ट में 50-50 बात को अगर सुन के हमारा जो वहाँ का पोलिंग ऑफिसर जो और जो वहाँ में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है दोनों वो बात को क्यों सुना है, सबसे बड़ा वो दोनों का गलती वही है। आज वो दोनों का घटना का कारण से आज दोनों का लाइफ भी उसका जॉब भी बहुत रिस्क जोन पे है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा वहाँ में यहाँ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा वॉइस रिकॉर्ड है, 42 या 45 मिनट का वॉइस रिकॉर्ड है, काफ़ी एक दूसरे बातचीत किया वहाँ में। कुडी पोलिंग ऑफिसर कुडी वो एक्सेप्ट किया, हाँ वो दोनों पोलिंग एजेंट दोनों अगर 50-50 अगर डिवाइड करके सिंपल से अगर डालता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना, दोनों एजेंट में अगर मंजूर है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आज वो प्रॉब्लम करना जो किसको करना पड़ रहा है, खुदी हमारा पोलिंग ऑफिसर, खुदी हमारा वहाँ का प्रेसिडिंग ऑफिसर। आज जिन्होंने भी जो गलत किया वो अपना हिसाब से पॉलिटिक्स खेलने के लिए खेल दिया, लेकिन आज लास्ट में जिन्होंने जो ऑफिसर था वही आज पास के बेटा है। तो ये है, और वहाँ में जितना हो सका कोशिश किया दोनों आपस में। तो लास्ट में हमारा यहाँ में सेकेंड पोलिंग एजेंट जो हमारा INC का तरफ से जो तना तातू, तो यह मैं क्लियर कट खुद ही बोला मैं तो बहुत सारा हर इलेक्शन में मैं एजेंट स्ट्रॉन्ग में रहता है, वो उसने बहुत कोशिश किया घुसने के लिए ताकि उसका भाई को हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ में खुद ही क्लियर कट वो खुद ही बोलता है कि नहीं मेरा भाई पक्का श्योर 100% मेरा डाउट है मेरा INC एजेंट भाई जो फास्ट जो घुसने वाला जो ऑलरेडी वो बीजेपी का साथ मिला हुआ है, और दोनों एजेंट जो दोनों एक ही पिताजी है एक ही माँ है, इसलिए वो लोग का भी कहना वही था कि पूरा 100% डाउट है इसलिए आप निकल जाइए। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, वहाँ का जो सिक्योरिटी पुलिस सर लोग को भी अप्रोच किया था बोला है, तो भी वो लोग मना किया आफ्टर लंच का बाद। तो करते 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 वो तना तातू जो अपना एंटर किया अपना एजेंट को चेंज किया, तो आफ्टर देन वो बहुत ज़्यादा सारा कोशिश किया जितना हो सका वो अपना हिसाब से मतलब स्ट्रिक्टली मतलब वोटिंग को अपना जेन्युइनली जिस जो आदमी था उसको पूरा डालने दिया, जो जेन्युइन नहीं था उसको डालने नहीं दिया। तो उसका मौजूद भी लास्ट में देखा है कुछ न्यूज़ प्रीवियस जो न्यूज़ में मैंने कहीं देखा था सगाली न्यूज़ में, वहाँ में भी कुछ कुछ बोल रहा था कि ऑलरेडी वहाँ में जो वोटर लिस्ट जो मर चुका है उसको भी ऑलरेडी वो लोग ने डाला है, किसने डालने दिया एजेंट दोनों फिक्सिंग करके।
और उसका ऊपर में साथ किसने दिया? हमारा प्रेसाइडिंग ऑफिसर, हमारा पोलिंग ऑफिसर। क्यों साथ दिया? दोनों सब वहाँ जो बेटा है पूरा मिला हुआ वाला है। मेरा ये मानना है, ऑलरेडी क्लियर कट ये वॉइस रिकॉर्ड में बोला गया है। तो इसका बाद आफ्टर देन तो हमारा ये तना तत्व जो कुड़ी लास्ट में बोला है कि वो लास्ट अंतिम तक बेटा है, तो भी कुछ कुछ अब्सेंट वाला एक कुछ वोटर था, उसको भी हमारा बीजेपी का वहाँ का जो कार्यकर्ता जो सपोर्टर जो उसको ऑफर भी था, 30,000 ऑफर भी दे रहा था बोला, लेकिन हाँ वो इंसान अच्छा था, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो अपना काम को क्या जितना हो सका टाइम, एक दो घंटा टाइम लेने से भी वो अपना काम को तो कोशिश किया। अगर कोई और होता तो वो भी शायद 30,000 लेकर शायद वो 10-20 बोतल को भी डालने भी देता होगा, लेकिन उसका तरफ से क्लियर कट मैसेज दिया है कि नहीं मैं पैसा नहीं लूँगा, जो है वो है। तो इसलिए हमारा यहाँ में ऐसे चलते रहेगा तो नहीं होगा, इसलिए मैं सबसे पहले हमारा यहाँ का जो स्पेशल आज मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कागज़ दे चुका था, तो भी मीडिया तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, आप जितना हो सके हमारा जितना भी वहाँ में जो 24 किल पुलिस स्टेशन में जो भी घटना हुआ आपको उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। इस पर आपका जो MCC में जो रूल पास किया गया है उसका हिसाब से आप लोग एक्शन किया जाए, क्या लेना चाहिए, उसका बाद रिपोल इनी हाउ होना चाहिए, ये मेरा मांग है। आफ्टर देन ये मांग है तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट सेक्शन भी लेकर आया था शायद जिन्होंने आगे हम जो प्रीवियस में जो बोला है, जैसे कि कास्टिंग जो प्रॉक्सी वोट जो जिन्होंने किया, जो आदमी नहीं था वो लोग भी एजेंट जो मिल के फिक्सिंग करके एक दूसरे से जाके वो लोग वोट मारने दिया, उसका भी हम लोग यहाँ में उसका जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ रूल 1961 रूल 49(0) उसका रूल को भी मतलब वायलेट किया गया है। तो इसका बाद अफ्टर देन 2 नंबर में जिन्होंने आगे जो वॉइस रिकॉर्ड में क्लियर कर वहाँ में बोला है कि मुनि का भी इन्वॉल्व हुआ है, ऑलरेडी मेरा मानना है इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि इन्वॉल्व मुनि नहीं होगा तो वहाँ में क्यों एक साथ में करना था। तो इसलिए हम लोग का जो मुनि का जो ब्रेवरी जो इलीगल जो मुनि का भी जो इन्वॉल्व हुआ है तो उसका भी हिसाब से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का 1961 एंड सेक्शन 171B ऑफ द इंडियन पैनल कोड IPC का सेक्शन में उसको भी मतलब जो वायलेट किया गया है। इसका बाद 3 नंबर जो प्रॉक्सी वोट ऑफ द केस वोट एट वायलेशन, जिन्होंने मतलब जो आदमी जो इस दुनिया में गुजर चुका है और डेड बॉडी भी कुछ कुछ वहाँ में जो जहाँ में वोटिंग कास्ट करा था वहाँ में भी कुछ कुछ था बोला है, तो वो ऑलरेडी वहाँ में जो दफंग हो चुका है जो गुजर चुका है वो आदमी लोग कैसे करके तब तो वहाँ से वोट मारने आया होगा। तो उसका भी मतलब सेक्शन RPA 1951 एंड रूल 49 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का उसको भी वायलेट किया गया है। तो वो हिसाब से हमारा यहाँ में जो जितना भी जो घटना हुआ है वो पूरा अपना जो रूल एंड रेगुलेशन को पूरा मतलब सेक्शन को मतलब वायलेट किया गया, तो वही सबसे हम लोग अपना कानून का हिसाब से कल को भी हम लोग बोलेगा। और आफ्टर देन ये 4 नंबर जो ऑफिसर ऑफरिंग द फेवर ऑफ द सेक ऑफ गुड एंड फाइट, जो ये जो लास्ट पॉइंट है जिसे कि वहां में क्लियर कर या वॉइस रिकॉर्ड में बोला है कि कुडी यहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर जो बोला है कि हम लोग एक दूसरे से एग्री किया था बोला 50-50 डालने देने के लिए, वो रूल को भी हमारा यहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर है प्रेसिडिंग ऑफिसर है उन्होंने भी रूल को तोड़ा है। वो रूल का तोड़ने का हिसाब से भी हम लोग उसका वो वायलेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट द रूल 1964 अंडर रूल 3(1) सब क्लोज 2 उसमें भी उसका जो रूल को भी वायलेट किया गया है। तो इसलिए जिन्होंने भी यहाँ में जो वॉइस रिकॉर्ड किया है वो सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम उस दिन हम लोग जो सुन रहा था प्रेस ब्रीफिंग कुछ कुछ दे रहा था, लेकिन ये वॉइस रिकॉर्ड का सुन के मुझे एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्या हमारा यहाँ में
सोचना चाहिए कि हमारा प्रेसिडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और जिन्होंने भी एजेंट जो बैठा है, क्या हमारा आप लोगों का मीडिया दोस्तों, आप लोग भी तो मालूम है हमारा यहाँ में सर इस बार ये एमपी दो आदमी तो नहीं आया ना। अरे एमपी हमारा यहाँ कम से कम आठ आदमी आया, आठ आदमी, उसको भी तो आप लोग सोचना चाहिए, देखना चाहिए। किसी वन साइडेड करके बीजेपी और आईएनसी दोनों जाके 50-50 वोट मारेगा, आप दोनों 50-50 वोट मारते रहेगा तो बाद में काल को कौन जीतेगा? कि बाकी हम लोग का जो तिचिराना एमपी कैंडिडेट नहीं है क्या? तो कुछ तल नहीं है क्या? और कुछ कुछ लोग पता नहीं है, कुछ कुछ लोग एमपी आया होगा, नेम एंड फेम आया होगा, आज शाम को दिखाई नहीं दिया है। आज ये सब इश्यू के बारे आज बोलना चाहिए मेरा हिसाब में, बाकी जो एमपी कैंडिडेट जो आया है और जितना सपोर्टर है वो लोग भी हम लोग का साथ देना चाहिए। हाँ, हम लोग इकला अभी बात करके क्या करेगा, सब मिल के साथ देना चाहिए ये इशू में। किसे होगा, दोनों एमपी सिर्फ तो नहीं आया ना हमारा यहाँ में, आठ कैंडिडेट आया आठ, तो बाकी ये एमपी कैंडिडेट लोग कहाँ गया? तो ये चिंदल का हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना भी आप लोग का जो इस बार जो एमपी कैंडिडेट आया है, आप लोग नेम एंड फेम में सच में लोग बोलता भी है, किरण सर का बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप बोलने बोल रहा भी है, सच में आज हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा। आज वो आदमी लोग यहाँ आना चाहिए, हम लोग इकला क्यों बोलेगा? आज जरूर, लेकिन हमारा ये क्या बोलता है, अच्छे तुकी का घर का सामने में घटना हुआ है, तो अच्छे तुकी को भी मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना घर में ऐसे घटना घटने दे के आप भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, आप भी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी किया आपका जो एजेंट, जो आपका एजेंट जो जिसको आपको धोखा दिया, आपको आपका जो भरोसा होकर आपको जो एजेंट भेजा वो आज आपको धोखा दिया, आप भी उसको सजा देना चाहिए अपने हिसाब से, अपना घर में, अपना सगाले एरिया में। मैं वही अच्छी तुकी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जितना भी एमपी कैंडिडेट है और जिसका भी जो सपोर्टर है, हम लोग मिल के लड़ना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने भी उस दिन जो घटना हुआ है। और हम लोग का लास्ट डिमांड तो कुछ नहीं है, जितना बोलो, लास्ट में हम लोग का जो डिमांड है दो पॉइंट है। 24 में जो घटना हुआ है किल पुलिस स्टेशन में, सबका सब एजेंट हो, जितना भी वहाँ का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो और वहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर हो, उसका पीछे में पूरा कार्रवाई करना चाहिए। ऑलरेडी हमारा यहाँ में तो हर पुलिस स्टेशन में तो सीसी कैमरा होता ही है ना, तो उसका हम लोग का सीसी फोटोज को भी हम लोग को देना चाहिए। कल को फिर ऐसा नहीं हो कि नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, ऐसे बहानाबाजी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग को डिटेल देना चाहिए कितना वोट कास्ट हुआ है और कितना अब्सेंट हुआ है, तो हम लोग इसको कार्रवाई कर रही है। हमको भी पता है हमारा यंग कुछ कुछ ये यूथ लोग, हम लोग का फ्रेंड सर्कल लोग इस बार उसका जो सगाले एरिया में ऑलरेडी मतलब एमएलए अनपोस हुआ है, ज़्यादातर बाकी बाहर का जो पढ़ने वाला लोग ज़्यादातर आया भी नहीं, तो उसका वोटर को भी वहाँ का जो एजेंट लोग फिक्सिंग करके सब वोट उसको भी कास्ट किया, उसको भी हम लोग अभी छानबीन करेंगे। तो इसका बाद वही है, जितना है कार्रवाई करना चाहिए। इसका बाद सेकेंड डिमांड है हम लोग का, इन्हीं आओ फ्रेश हम लोग का रिपोल करना चाहिए। मेरा तरफ से टीम तिचिराना का सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर का तरफ से हम लोग दो पॉइंट है, जिन्होंने भी उस दिन जो गन्ना हुआ सबको कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए, और इसका बाद हम लोग को रिपोल जरूर होना चाहिए। अगर रिपोल अगर नहीं करता है बोलने से, हम लोग जिन्होंने भी मतलब वायलेट किया है वो सेक्शन से हम लोग अपना आपको हम लोग हिसाब से हम लोग करेंगे। ऐसे भी हमारा घर तो कोर्ट का सामने में ही है, मैं जब चाहे अपील कर सकता हूँ। इसलिए मैं मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी जो गलत काम किया, स्पेशल हमारा जो पोलिंग ऑफिसर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपना गलती को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपका सेंटीमेंट, आपका दुखी को मैं समझ सकता हूँ, आपका ये प्रॉब्लम होगा तो आपका लाइफ, आपका जॉब जो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप भी हम लोग को कर नहीं पाना चाहिए। हम लोग यहाँ किसी को इंडिविजुअल नहीं लड़ रहा हूँ, हम लोग अपना राइट को बोल रहा हूँ। आज हम लोग नहीं बोलेगा, परसों नहीं बोलेगा, कल नहीं बोलेगा, तो ये चलते रहेगा हमारा 29 में भी ऐसे फिक्सिंग करते रहेगा, 50-50 करके शेयर करते रहेगा, बाकी हम लोग एमपी लोग तो फायदा नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी जो वहाँ में जो ऑफिसर जो काम ड्यूटी में था, आप लोग भी दुखी मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि
स्पेशल हमारा जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी उसका दुख दिक्कत को सोचना चाहिए। अगर इंसान है तो अगर गलती होता है बोलने से रिपोर्ट जरूर कराइए, नहीं तो हम अपना हिसाब से कार्रवाई कराएगा। थैंक यू सो मच।